पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही ईजी एक्सप्लेशन वाली वीडियोज़ मिलती रहें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बैल बटन सो आइए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं इस लीवस के बारे में सो so लीव्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स सिंपल लीव्स एज एज इट्स नेम इंडिकेट सिंपल होगी वो सिंगल लीफ होगी अनडिवाइडेड लीफ होगी एज एयर यू कैन सी स्टेम से डायरेक्टली एक ही लीफ निकल रही है तो उसे हम कहेंगे सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ के अंदर लीफ जो है वो मल्टीपल लीफलेट्स में डिवाइड होती है मतलब अब वो पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती है पारनेटली कंपाउंड भी हो सकती है पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि एक लीफ है उसके अंदर से एक ये स्टेम निकल रही है और उसमें से काफ़ी सारी लीफलेट्स जो है वो अरेंज्ड होगी इस तरह से ठीक है तो पालमेटली uh, कंपाउंड भी हो सकते हैं पिनेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर जो है फैदर लाइक अरेंजमेंट होगी जैसे एक ही होता है ना इसमें से काफ़ी सारे फैदर्स निकलते हैं है, है ना इस तरह से फैदर लाइक अरेंजमेंट हो गया पालमेटली कंपाउंड लीफ के अंदर आपको एक पाम की फॉर्म में लीफ अरेंजड मिलेगी जिस तरह हमारे पाम uh, पर फिंगर्स अरेंजड होती हैं उसी तरह से आपको पालमेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर लीफलेट्स की अरेंजमेंट मिलेगी ठीक है सो आइए फटाफट से इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं तो सिंपल लीफ क्या होता है सिंपली व्हेन द लेमिना इज एंटायर और वैन इनसाइज्ड, द इंसीशंस डू नॉट टच द मिड्रिप जब लेमिना जो है एंटायर लेमिना हम इसी को कहते हैं तो लेमिना जब एंटायर हो बिल्कुल कहीं से भी डिसेक्टेड ना हो और जो इंसीशंस हैं इसकी वो मिड्रिप पर टच ना करें उसे हम कहते हैं सिंपल लीफ लीफ के लेमिना uh, के डिफरेंट शेप्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बेल बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो सिंपल लीफ में क्या होगा कि जो लेमिना होगा वो एंटायर होगा या फिर इंसिस्ड होगा और जो इंसीशंस है वो मिड रिप को टच नहीं करेंगी रिप को टच नहीं करेंगी सिंपल लीफ जो है वो सिंगुलर होता है और कभी भी छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड नहीं होता वो डिवाइडेड नहीं होता इसीलिए हम उसे सिंगल सिंपल लीफ कहते हैं इट इज़ ऑलवेज अटैचड टू अ ट्विग बाई इट्स स्टेम और पिटियोल हमेशा ये अपनी एक स्टेम से किसी भी ट्विग से अटैचड होता है जो मार्जिन एजेस होते हैं सिंपल लीफ के वो स्मूथ भी हो सकते हैं जैक डलोब पार्टेड किसी भी शेप में हो सकते हैं उसके मार्जिन ठीक है सिंपल लीफ के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पीयर मेप्पल हिमिस्कस मैंगो गवा एंड मैनीमोर तो सिंपल लिफ जो है वो उसके बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं स्टेम पिटियोल मिड्रिप और लेमिन ठीक है सो दिस वॉज अबाउट सिंपल लीफ ना नेक्स्ट वन वी हैव इज कंपाउंड लीफ कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि अब देखो सिंपल लीफ में कहता है कि लीफ uh, थी उसके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं थे छोटे छोटे लीफलेट्स नहीं थे सिंपल एक लीफ थी कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि जो लीव्स uh, हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा जो लीफलेट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा इसीलिए उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड लीफ व्हेन द इंसीशन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रि ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स

अटैच होते हैं इस तरह हाँ अगर हमें कहीं पर किसी प्लांट के अंदर लीव्स के अरेंजमेंट देखने को मिल रही है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये पिनेटली कंपाउंड लिवज है पिनेटली का मतलब क्या होगा फैदर लाइक तो फैदर लाइक देखो इस तरह से निकल रही है ना लीव्स तो ये क्या हो जाएगा पिनेटली कंपाउंड लीव्स हो जाएगा और जो ये है इसे हम क्या कहेंगे रेचिस या फिर मिड रिप ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ लीफलेट्स फैट्स पिनेटली कंपाउंड लीव्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स अब uh, कितनी लीफलेट्स प्रेजेंट है किस तरह से प्रेजेंट है उसके बेसिस पर भी जो पिनेटली कंपाउंड लीव है वो दो तरह की हो सकती है पेरीपाइनेट और इमपेरीपाइनेट पेरीपाइनेट इट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स अटैचड इन द अपोजिट मैनर ऑन द रैचिस द रैचिस एंडज विद द टू लीफलेट्स एंड इमपेरीपिनेट वन देर इज ओल्ड नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट लीफलेट्स आर अटैच्ड इन अपोजिट मैनर अ सिंगल लीफलेट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रैचिस नाउ सीन दिस डायग्राम दिस इज पेरीपिनेट एंड दिस इज इमपेरीट पेरीपिनेट में क्या होगा कि आपको ईवन नंबर ऑफ लीव मिलफलेट्स मिलेंगी लीफलेट को आप काउंट करो आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ़ लीफलेट मिलेंगे इवन नंबर बताए ना टू फोर सिक्स एट ये सब और जो लास्ट में लीफलेट्स एंड हो रही हैं वो एक पेयर ऑफ लीफलेट्स एंड करेंगे यहाँ पर देखो आप इमपेरीपिनेट और पैरीपिनेट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है पैरीपिनेट के अंदर जो है इवन नंबर ऑफ़ लीफलेट्स प्रेजेंट है टिप अपेक्स जो है वहाँ पर पेयर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट है इमपेरीपिनेट के अंदर क्या होता है आपको ओड नंबर ऑफ़ लीफलेट्स मिलेगी जैसे यहाँ पर काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ही लीफलेट्स हैं ओड नंबर है तो इमपेरीपिनेट लीवस मतलब ओड नंबर ऑफ़ लीफलेट्स और जो लीफ अपेक्स है वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही लीफलेट मिलेगी मुझसे पता लग रहा है ना कि ओड लीफलेट्स हैं इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा इमपेरीपिनेट हो जाएगा आई और एल ऐसे रिजेंबल करते हैं ना सिंपल आई और एल तो इमपेरीपिनेट है तो लीफलेट्स जो हैं वो ओड हो जाएंगी ओड नंबर ऑफ़ लीफलेट्स ठीक है नेक्स्ट दिस वॉज डिविजन ऑफ लीव ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ लीफलेट्स नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स दे आर डिवाइडेड पिनेटली कंपाउंड लीव्स आर डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग टाइप्स अब कितनी बार वो डिवाइड हो रही हैं इसके बेसिस पर भी हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं फॉलोइंग चार टाइप्स में यूनिपिनेट बाईपिनेट ट्राईपिनेट और डी कम्पाउंड यूनिपिनेट का क्या मतलब होता है दिस आर ऑल्सो सिंपल पाइनेट लीव्स लीफलेट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द रेटिस इन द अपोजिट मैनर लीफलेट्स जो हैं वो मिड मिड्रिप से या रैच्स से कह सकते हो उनसे अटैच्ड होती हैं अपोजिट मैनर में बाईपिनेट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रैचेस है वो ब्रांच्ड होती हैं और लीफलेट्स जो हैं वो सेकेंडरी रैचस से अटैच होती हैं बाईपिनेट मतलब कि इसमें दो रैचेज होती हैं ट्राईपिनेट मतलब तीन रैचेज होती हैं और डी कम्पाउंड मतलब कि जब रैचेस का नंबर तीन से भी ज़्यादा हो जाए उसे हम कहते हैं डी कम्पाउंड लीव्स अब डायग्राम में देखते हैं यूनिपिनेट लीव्स मतलब एक ही लीफ है सिंगल मिड्रिप है उसी से जो है लीव्स अरे अटैच हो रही हैं ठीक है इसके बाद बाई पिनेटलीव बाई मतलब दो तो बाई पिनेट में क्या हो जाएगा दो मिड मिड्रिप्स होंगी एक सिंगल मिड मिड्रिप एक उसके बाद फर्दर ब्रांच निकल रही है और फिर उससे लीव फ्लैट्स अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे बाई पिनेट पिनेटली कंपाउंड लीव्स सिंपल एक uh, मिड ड्रिप है उसके बाद फर्दर एक मिड ड्रिप निकल रही है और उससे लीव्स अटैच हो रही हैं इसे हम क्या कहेंगे बाई पिनेट पिनेटली कंपाउंड लीव्स ट्राई पिनेट में क्या हो जाएगा तीन मिड मिड्रिप्स बनेंगी एक सिंगल मिड ड्रिप है उसके बाद एक और मिड रिब आ रही है और फिर एक और मिड रिब है जिससे कि लीफलेट्स अटैच्ड हो रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे ट्राई पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड डी कंपाउंड वेन देर आर मोर देन थ्री रिब्स अब जैसे यहाँ पर देखो एक ये लीफ है मिड रिब है उसे एक और मिड रिब निकल रही है फिर एक और मिड रिब निकल रहा है फिर एक और मिड रिब निकल रहा है फिर एक और निकल रही है फिर कहीं जाकर उससे लीव्स अटैच्ड हो रही हैं लीफलेट्स तो इस तरह की लीफलेट्स को हम कहेंगे इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहेंगे डी कंपाउंड लीव्स ओके सो एग्जाम्पल ऑफ डी कंपाउंड कैन बी कोरिएंडर धनिया धनिया के अगर आपने लीव्स uh, देखे हों तो वो काफ़ी सारी जो है मिडिल्स प्रेजेंट होती हैं और फिर उस पर लीफलेट्स निकलते हैं ठीक है दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दे आर डिवाइडेड नाउ नेक्स्ट वन वी हैव इज पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड टूगैदर एट वन पॉइंट दैट इज पिट्योल टिप लाइक द फिंगर्स ऑफ अ पाम एक्जाम्पल सिल्क कॉटन तो लीफलेट्स क्या होगी पालमेटली कंपाउंड है तो लीफलेट्स पार्म की तरह अटैच्ड होगी एक ही पॉइंट पर अटैड होगी हमारी फिंगर्स भी तो एक ही पाम पर अटैच है ना तो फिर पालमेटली कंपाउंड लिवस में भी एक ही पॉइंट पर जो है वो लीफलेट्स अटैचड होंगे अब ये भी डिफरेंशिएटेड है ये भी काफ़ी सारे टाइप्स का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट लीफलेट कितनी प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करता है कि पालमेटली कंपाउंड लीस कौन से टाइप की होगी जैसे यूनिफोलिएट अगर सिंगल लीफलेट जो है वो प्रेजेंट है पिटियोल से अटैच्ड है जैसे कि अगर आप लेमन का ट्री देखोगे तो उसके अंदर जो सिंगल लीफलेट जो है वो पिटियोल की टिप से अटैच्ड होती है बायफोलिएट अ पेयर ऑफ लीफलेट्स अटैच्ड टू पिटियोल ट्राईफोलिएट तीन लीफलेट्स अटैच्ड होंगे क्वाड्रीफोलियेट चार लीफलेट्स होंगी और मल्टीफोलिएट मतलब पांच या उससे ज़्यादा लीफलेट्स अटैच्ड हैं एग्जाम्पल्स आर गिवन विद गैम एग्जाम टाइम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशियट बिटवीन बोथ ऑफ दैन तो आप एग्जाम्पल्स जरूर लिख के आना एग्जाम्पल्स के काफ़ी एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं वो और लिखा वो सुंदर भी लगता है अट्रैक्टिव भी लगता है तो एक एक दो दो एग्जाम्पल्स जो भी आपको ईजी लगे वो जरूर याद कर लेना सभी तरह की लीव्स का सो यूनिफोलिएट बायफोलिएट ट्राईफोलिएट क्वाड्रीफोलियट और मल्टीफोलिएट ये जो है पालमेटली कंपाउंड लीव्स के टाइप्स हैं नाउ लेट्स सी इन अ डायग्राम यूनिफोलियट कंपाउंड लीव्स एक ही सिंगल लीफ जो है वो प्रेजेंट और पिटियोल से अटैचड है बायफोलीट के अंदर पिटियोल से दो लीफलेट्स अटैचड हैं ट्राइफोलीट के अंदर तीन लीफलेट्स अटैचड हैं और क्वाडरीफोलीट के अंदर चार लीफलेट्स अटैचड हैं और मल्टीफोलियट में पांच या उससे ज़्यादा लीफलेट्स अटैच होंगी तो इस तरह से डिफरेंस है पालमेटरी कंपाउंड लीव्स हम पढ़ रहे हैं ना तो पान की तरह या अटैचड होंगी मतलब एक ही सिंगल पॉइंट्स अटैचड होंगी अब कितनी लीव्स हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की लीफ होगी अगर एक सिंगल पॉइंट पर दो लीफ अटैच्ड हैं बायफोलिएट अगर तीन लीफ अटैच्ड हैं ट्राई अगर चार लीफ अटैच्ड हैं क्वाड्रीफोलीट अगर उससे भी ज़्यादा हैं तो मल्टीफोलीटली कंपाउंड लीफ आई होप आपको समझ आ गया होगा इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको इमेजिनेशन uh, में लेके जाओ जैसे तो पिनेटली कंपाउंड लिख रहे हैं हम पीनटली कंपाउंड में क्या होता है फैदर लाइक लीव्स होती हैं और पालमेटली कंपाउंड लीफ पढ़ रहे हैं तो मतलब पाल कितना अटैच्ड होगी एक फिंग एक सिंगल पॉइंट पर अटैच्ड होंगी ठीक है अब इनके फर्दर डिफ्रेंशिएटेड क्या हो रहे हैं पालमेटली यूनिफोलिएट की एक ही है बाईफोलिएट दो लीफलेट्स अटैच हैं ट्राईफोलिएट तीन क्वार्रीफोलियट चार मल्टीफोलिएट पाँच और इसी तरह पिनेटली कंपाउंड के अंदर अगर एक ही मिड ड्रिप है तो यूनिपिनेट अगर दो मिड ड्रिप हैं बाईपिनेट पिनेट तीन पिड्रिप है ट्राई डी कंपाउंड है मतलब कि तीन या तीन से ज़्यादा मिड ड्रिप्स हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपाउंड लीव्स होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग